फकत मुलाकात हुई थी, फकत ये टीप पे खड़ी थी, हिट हो रही थी ड्रामों में और फिल्मी दुनिया में, सुपर सितारों में शुमार होती थी। एक दिन जान रैबो साहब को इन्होंने मेरी पास ले आए कि इसको दुआ करें इसके लिए। मैंने कहा इसको कहो यार पांच बार रूबी न्यादी कह दे, यही दुआ है। जब उन्हें रूबी रूबी न्यादी का पांच बार तो कब कभी तारी होगी, मैं कह जा दुआ मंजूर हो गई तेरी। और ये मकाम आया जान रैबो के टिकट ब्लैक में बिकते थे, फिल्म में उसके टिकट तवाफ कर रही थी। एक दिन टीवी पे इकट्ठे हो गए तो कहता बाबा जी मैं तस्वीर बदलना चाहता हूँ। कहते दो बेटे बाबा इतने साथ तो पड़ी है रूपी न्यादी अब क्या हो जाना है, आप अगर याद रहते तो मैं सहबा सहबा पढ़ लूँगा। कहते जहाँ पढ़ ले मिर्जा बन जाएगा, मेरा क्या जाना है। मेरा क्या जाना है। तो इसका बनाओ कि उस जमाने में बाबे से प्यार किया, जब टीप पे थे उन वक्त कहा कि तो खुदा याद नहीं हो तो बाबे कहाँ याद होते। बाबे इनको उस वक्त याद होते हैं, ऊपर से नीचे आ गए गली गली बाबे घूमते फिरते होते। तो कोई सवाल पूछ रहा था कि यहाँ आने का रूबी का फंक्शन क्या है, मैंने कहा यही मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बाजार हुसन से क्या कमाया है लोगों की निगाह। वो लोग तो चले गए, ये मेरे साथ 10 साल से चल रही है और यू टर्न आया जिंदगी का अपने हाथ चार वाकत आप बताएगी और ये हम जाके इससे काम लेंगे, बटेरे फंसाएंगे। ये मेरा जाल और तरीकी नहीं होती है जो बटेरा फंसाने गए बटेरे का काम मैं तो कहा कि जल्दी इसके नाम पे फंसेंगे, मेरे को कौन मौलवी को छुड़ेगा। रूबी न्याजी हो गए, अगले तोड़ देंगे दरवाजे, बाबा भी कहेंगे तो कोई महफिल में आना भी गवाना नहीं। तो ये मेरी काम की सहायती है और मैं इसे दावतें फिक्र दूँगा कि अब आप साबित करें कि बाबा का क्या रिश्ता और क्या आने से क्या होता है। गंदी मैली औरत का सलाम। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि जब हमारा इनर कबूल कर ले वो चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, उसको अंदर से जब कबूल कर ले हमारा इनर तो वो काम हो जाता है। क्योंकि यकीन ही खुदा है, ईमान ही रिसालत है। खुदा को तो किसी ने नहीं देखा है, किसी आप में से किसी ने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, बाबा जी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, खुदा को किसी ने नहीं देखा। लेकिन यकीन को तो सबने देखा है, सब ने देखा है यकीन को। इसलिए कि हम एक यकीन रखते हैं कि हम सूरह रहमान सुनेंगे हमें ये हो जाएगा, हमें तकलीफ़ हो रही है, हमारे पित्ते में तकलीफ़ हो रही है, हमारे दिल में तकलीफ़ हो रही है, हमें ये मुसीबत पड़ गई है, हमें हमारे हालात बिगड़ गए हैं, हमें कुछ तकलीफ़ें हो गई हैं, हम ये अमल करेंगे, ये सुनेंगे, ये अगर हम यकीन कर लेंगे तो हमारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। यही ईमान है, यही यकीन है, यही सब कुछ है। अब बाबा जी ने बात बड़ी अच्छी की, लेकिन मैं बाबा जी की बात को पिक करने से पहले मैं मंशा साहब की एक बात को पिक करूँगी। मैंने इनकी बातों को बड़े गौर से सुना है कि हम शोबिस के जो लोग होते हैं, शोबिस के लोगों के लिए एक बात मशहूर है, खुदा को मनाना आसान है, शोबिस के लोगों को मनाना बड़ा मुश्किल काम है। और वैसे भी शोबिस का जो शोभा है इससे लोग महजूज तो बहुत होते हैं लेकिन इन पर यकीन डेवलप नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो वो मास्क हमारे मुंह के ऊपर लगा हुआ होता है स्टार का, चाहे वो फिल्म स्टार हो चाहे वो टीवी स्टार हो, उसका जो मास्क मुंह पे लगा होता है वो इतना खूबसूरत और इतना रंगीन होता है कि उसके पीछे क्या चेहरा है उसको देखने के लिए एक वक्त दरकार होता है, वक्त दरकार होता है। मेरी बाबा जी से हकीकतन मुलाकात उस वक्त हुई जब फिल्म इंडस्ट्री में
मतलब आप इस तरह मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी तारीफ़ करना ना आता है और ना कभी आएगा, और मैं इस चीज़ को पसंद भी नहीं करती हूँ। साफ साफ बात कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन उस वक्त उस पीक पर बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई कि जब रीमा का नाम नीचे जा रहा था और रीमा मुझसे ख़तरा महसूस कर रही थी कि अगर ये रूबी न्याजी अगर थोड़ा अरसा और रह गई तो मुझे घर में टाकी लगानी पड़ जाएगी, मेरा क्या होगा। तो मैंने उस वक्त रीमा को, उस वक्त मेरी बाबा जी से मुलाकात भी नहीं हुई थी, मैंने उस वक्त रीमा को बोला था, मैंने कहा रीमा तुमने यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है, लेकिन रूबी न्याजी ने थोड़ी यहाँ रहना है, उसने तो चले जाना है। अरे पागल, क्यों मुझसे हसद करती है, क्यों जलती है। उस वक्त तो मेरी बाबा जी से मुलाकात भी नहीं हुई थी। फिर एक दफ़ा बाबा जी से मेरी अचानक मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात एक ऐसी हादसाती तौर पर आप कह लें कि एक बिल्कुल अनजाने तरीके से मुलाकात हुई। मेरे ख्याल में ऐसी मुलाकात बाबा जी का, मैं नहीं कहती उनकी मुलाकातें बहुत से लोगों से, उनका तो हलका अहबाब भी बहुत वसी है, अकीदतमंद ही बेहिसाब है, लेकिन मेरा तो कोई हलका अहबाब नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा हलका अहबाब है, बहुत छोटी सी दुनिया है, छोटी सी दुनिया का एक छोटा सा नाम है। तो मेरी जब बाबा जी से मुलाकात हुई तो बस मुझे इतना पता है कि मुझे लगा कि दूर आसमानों में कहीं बिजली चमकी है, और दो बिजलियां एक साथ टकरा गई बस। और उस वक्त जो लोग हमारे दरमियान थे उस मुलाकात में, वो आप यकीन करें कि उस वक्त इतना साइलेंस था उस कमरे में कि अगर आप सुई भी फेंकें तो उसकी भी आवाज़ आई। खैर, बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई और बड़ी गरजदार किस्म की मुलाकात हुई, बड़ी जोरदार किस्म की मुलाकात हुई। फिर उसके बाद एक ऐसा यू टर्न आया कि मैंने अलग ऐलान ये कहा कि मुझे अब ये काम नहीं करना। सारे लोग परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो गया है, आप तो उस वक्त मेरे पास तकरीबन 15-16 फिल्में थी, मैंने सारी रिजेक्ट कर दी, मैंने कहा मुझे एक भी फिल्म नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना, शो बिज करना ही नहीं। खुद ब खुद मेरे अंदर तब्दीली आई। फिर मैंने बाबा जी से बात की तो बाबा जी ने मुझे कहा कि तुम फिल्मों की मोहताज नहीं हो, फिल्में तुम्हारी मोहताज हैं। मुझे आज भी ये बात याद है कि बाबा जी ने कहा था कि तुम फिल्मों की नहीं, फिल्में तुम्हारी मोहताज हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आई, मैंने कहा शायद फिल्में मेरी मोहताज हैं, मतलब शायद फिल्में मेरे पीछे पीछे चल के आएंगी, क्योंकि उस वक्त रूबी मटेरियलिस्टिक थी ना, कायदे आज़म उसका हीरो था, तो वो मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा थी, उसको समझ नहीं आई कि एक कलंदर आदमी ने, एक बुज़ुर्ग आदमी ने क्या बात कह दी है। लेकिन आज वो बात रिकॉल होती है जहन में, तो आज समझ आती है कि वो बात क्या थी, कि मैं फिल्मों की मोहताज नहीं, फिल्में मेरी मोहताज हैं। मुख्तसर ये कि अब तो आप लोग भी थक गए होंगे यहाँ बैठे बैठे, भूख से आप लोगों का भी बुरा हाल हो रहा होगा, है ना, सही बात है। तो इसलिए कुछ बातें नहीं करनी है, लाइटली बातें करनी है, और ज़्यादा वक्त भी मैंने आपका भी लेना है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं भी अब दुखी इंसानियत के लिए काम करूँगी। जहाँ मैं मतलब मुझे मौका मिलता है, मैं एक सेकंड भी नहीं लगाती कि मैं अपने कदम पीछे करूं। मौका जहां मिलता है, वो जैसे कहते हैं कि शिकारी को शिकार मिला और उसने उसके ऊपर फौरन हमला किया और उसको पकड़ लिया, तो मैं इसी तरह से कर रही हूं, मिशन बाबा जी का चला रही हूं, बल्कि चला मैं नहीं रही हूं, मैं तो कोशिश कर रही हूं, चल खुद ब खुद रहा है, और बाबा जी की मोहब्बत है, प्यार है, इनकी तवज्जो से चल रहा है, वरना मेरे हाथों से कुछ हो ही तो उनकी नहीं रही, मुझे तो लगता ही नहीं है। और बाकी रही मुख्तसर ये बात कि जो आपने क्या नाम प्याज बुजवी साहब, आपने जो कुछ आपने गीत की सूरत में अपने फीलिंग्स का इजहार किया, उसके लिए मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूँगी शेर की सूरत में। खुश नसीब है वो जिनको नसीब हो जाए, हर एक को गमे जावदा नहीं मिलता। और आप तमाम हजरात जो इस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मेरे बाबा जी के गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सब
से मैं ये वादे नहीं करूंगी मैं यहाँ मल्टीनेशनल प्लाजे बना दूंगी, मैं यहाँ पर मैकडोनल्ड और KFC खोल दूंगी, मैं ऐसा कोई ऐसी गलत बात गलत बयानी से काम नहीं लूंगी। मैं ये कोशिश ज़रूर करूंगी कि मैं जिस शहर में रहती हूँ वहाँ पर बहुत से बेहिसाब ऐसे लोग रहते हैं जो कि अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, जो साहिब हैसियत है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो कुछ मुझसे बन पड़े आपकी खिदमत जो भी कर सकूँ वो हो जाए। आप लोगों ने जो इज्जत दी जो प्यार दिया वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और ये कहूँगी कि बाबा जी ने जो इतना ये सब कुछ किया था आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे होना क्या है। मैं जब इंटरचेंज पर आई हूँ तो बाबा जी ने कहा ठहर जाओ वहीं पे, मैंने कहा यार अल्लाह इतनी गर्मी धूप में यहाँ ठहर जाऊँ, आगे हो क्या रहा है मुझे समझ ना आए कि आगे हो क्या रहा है, मुझे क्यों यहाँ पर ठहरा दिया है। लेकिन आके मालूम हुआ कि यहाँ क्या हो रहा था और किस लिए मुझे रोका था। तो बाबा जी मैं इतनी इज्जत के काबिल हूँ।